तो फ्रेंड मैं उनकी वीडियो लेके आई हूँ जो कि आप देख सकते हो। वीडियो उनकी मतलब उसने सब बता रखा क्या मैं कैसे आई हूँ, हमारी लव स्टोरी के बारे में, पबजी से हमारी लव स्टोरी चालू हुई, पाकिस्तान में कैसा है, इंडिया कैसा, उसने सब कुछ वीडियो में बता रखा। आप लोग देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो दोस्तों वीडियो देखते हैं। हमारी सर बात होती थी, ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान। तो जस्ट फ्रेंड थे हम तब, सिर्फ खाली दोस्ती थी हमारी। ये मुझे दिखाते थे, मैं इनको दिखाती थी, ये खुश होते थे मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ, मैं खुश होती थी मैं भारत देख रही हूँ। तो खुशी होती है ना कि दूसरे देश का बंदा आपसे बात करे, तो खुशी अलग होती है, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है दूसरे देश का बंदा बात कर रहा है। तस्वुर मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, फिल्में ही देखते थे भारत की, कोई बात भी कर रहा है तो आधा तो यही खुशी थी इनसे बात करने की, मैं इंडिया के किसी लड़के से बात कर रही हूँ। तो इसी में मतलब होते होते हमारी बात बहुत ज़्यादा होने लगी ना, आहिस्ता आहिस्ता, पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात भी हमारी बात होती रही है। तो इससे मेरी बहुत आदत सी पड़ गई, बहुत मतलब प्यार हो गया। कैसे आपकी प्यार की शुरुआत हुई? हमारी ट्राई करना था, अगर मैं पकड़ी भी जाती ना तो मुझे ये दुख ना होता कि मैंने कोशिश ना करी, वरना सारी ज़िंदगी पछताती कि मैंने कोशिश ही ना करी सचिन के पास जाने की। काश मैं कोशिश करती, मैंने कोशिश करी और कामयाब हो गई। मैं पहले इंडियन वीज़े से आना चाह रही थी, पर मुझे इंडिया का वीज़ा नहीं मिला सर, तो मजबूरन मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। पहले तो हम मिल चुके नेपाल, ये भी आए मैं भी आई, इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करा, इनको मतलब सारे इन्फॉर्मेशन मिली कि बॉर्डर में कैसे होता है। हम 7 दिन साथ रहे, घूमे फिरे, शादी करी, बहुत अच्छे से इंजॉय करा हम दोनों ने, वहीं पर खाना पीना होटल सब कुछ था। फिर मैं चली गई, बच्चे पीछे ही मेरे चची गए और बहन के पास थे, तो मैं वापस चली गई, मुझे जाना पड़ा बच्चों के कारण ना। शायद मैं तब नहीं भी जा रही थी, तो मुझे इन्होंने कहा कि चली जाओ, शायद मैं खुद गर्व सी हो गई थी, पर ये ना हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ सचिन आपसे, आपको इनसे प्यार कैसे? सर पबजी से हुआ था। आप पबजी खेलते थे? हाँ जी, पबजी में मिले थे। पबजी में मिलने के बाद नंबर एक्सचेंज करा, नंबर एक्सचेंज करने के बाद धीरे 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 धीरे। कब की बात है, कितना वक्त हुआ? 2020 की। 2020 में जब पहली बार आप पबजी खेल रहे थे, या पहली बार इनसे आमना सामना कैसे हुआ था वो अगर कहानी बताओ। वो खेलते खेलते जी मैं काम पे जा रहा था, तो खेलते खेलते ऐसे ही पबजी में बात करते हैं, जैसे फ़ोन पे होती हैं बात, ऐसे बात भी हो जाती हैं, पबजी भी खेलते हैं। तो ये बोली इनके लो मेरे पास, जैसे मांगते हैं गन फन वैसे मांगते हैं पबजी में। तो मैं दुकान पे जा रहा था, तो क्या कहते हैं, मैंने एक गेम खेला इसके साथ, रखने के बाद फिर मैं दुकान पर काम करने लगा, मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद फिर मैं छत पर सो रहा था, फिर उसके बाद ये 10 बजे करीब 9 बजे करीब ऑनलाइन आई थी, फिर हम दोनों साथ में खेले। फिर यहाँ पे कम आता था खेलना, मैं थोड़ा ठीक खेल लेता था, ज़्यादा भी ठीक नहीं, हाँ खेल लेता था। तो क्या कहते हैं, हमने ऐसे ही पबजी खेलते खेलते 15-20 दिन खेल कर हमने फिर लंबर एक्सचेंज करा। लंबर एक्सचेंज करने के बाद क्या कहते हैं, धीरे 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 प्यार में हम बदलते हुए चले गए। जब नंबर एक्सचेंज किया पबजी खेल रहे थे तो पता था कि ये पाकिस्तान से हैं? जी सर। इन्होंने खुद बताया? जी सर, फिर बताया था। तो नंबर एक्सचेंज करा, मैं ये सोचता था कि वहाँ की लड़की सब, जानकारी नहीं थी ना, तो वहाँ की लड़की सभी ऐसी होती हैं, और यानी कि एक हिंदू, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात थी ना, तो मैं ये सोचता था सब लड़की वहाँ की ऐसी होती होंगी, मार धाड़ में जैसे वो हिंदुस्तान के बारे में बुरा सोचती होंगी। तो इस तरीका की इसमें कुछ बात ऐसी नहीं थी। तो सर ऐसे ही धीरे 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 ये कहती थी मैं इंडिया वाले से बात कर रही हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे बात व्हाट्सएप पे होते होते हमारा प्यार धीमे धीमे बढ़ता हुआ चला गया। 2021 में सोचा कि हम तेरे बगैर नहीं रह पाएंगे, तू मेरे बगैर नहीं रह पाएगी। तो 2021 में हमें जानकारी तो थी नहीं कि पासपोर्ट वीज़ा कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं। तो यूट्यूब पर सब सर्च मारा कि यूट्यूब पर के व्हाट्सएप उस पर कि पासपोर्ट कैसे बनता है, वीज़ा कैसे बनता है, टिकट कैसे लगती है, कहाँ पर लगती है, कौन सी जगह पर लगती है। तो हमें 1-1.5 साल कम से कम वहाँ पर जानकारी करते करते ऐसे ही लग गई। पहले इंडिया, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको पहली बार का एहसास हुआ कि अब सच में प्यार हो गया और हम साथ ही रहेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान। 2021 में ही। बट आपको लगता था कि आप दोनों मिल पाएंगे दोनों देशों को देखते? लगता तो नहीं था, जब मिले थे, जब लगा कि हाँ हम मिल चुके हैं, फिर हम कह रहे थे आपस में, तू वहाँ से आ गई, मैं यहाँ से आ गया, हम दोनों साथ हैं, ऐसे इस तरीका की फीलिंग आ रही थी।
तो नेपाल में इसने सब चीज़ ओके करा लिया। ओके कराने के बाद नहीं, मैं नेपाल तक पहुँचूँगा, अभी पाकिस्तान में ही रह रहा हूँ मैं, क्योंकि पाकिस्तान की कहानी पहले। आपकी पबजी गेम से दोस्ती हुई, बातचीत हुई, आपकी शादी हो चुकी थी और 4 बच्चे हैं, शादी कैसे हुई थी आपका? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो लव मैरिज थी या क्या? वो लव मैरिज नहीं थी, थाली कोर्ट मैरिज थी, लव मैरिज बिल्कुल ना थी। ऐसा था कि मेरे पास कोई कज़न था, मतलब खल लायक था, पसंद करते थे मैं उनको, हम वो मुझे कहता था रिश्ता मांगा, सबको पता होगा ये पसंद करते हैं, तो पसंद का आपको पता होगा अगर पाकिस्तान से हो बिलोंग करते हैं तो पाकिस्तान पसंद की शादी नहीं होती आमतौर पर, बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ शहर में अब होती होगी तो अलग बात है, पर गाँव में बिल्कुल, मैं गाँव से शुरू में पैदा बड़ी गाँव में ही हुई हूँ, तो बहुत बहुत मतलब करा गया कि इसने ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे हम रिश्ता नहीं करेंगे। तो मेरी इसी कारण मेरे पापा ने मेरी इनसे हैदर से मैरिज करा दी कागजी। मेरे मामा राजी ना थे, मेरे मामू जो है ना वो कोई भी राजी ना था हैदर से, अब तक इनके कारण मेरे मामू बात अब तक मुझसे। तो आपकी शादी मर्जी के खिलाफ हुई? ये हैदर को पता है मजबूरी के कारण हुई, अगर उसे कोई पर्सनली पूछे तो। उसके बाद 4 बच्चे कब हुए? पहला लड़का 15 में हुआ था मुझे, हाँ, उसके बाद दूसरी लड़की हुई, उसके बाद तीसरी, और मुन्नी जब मेरे पेट में थी ये चले गए थे। कहाँ गए थे? सऊदी अरब। तो आप दोनों की लड़ाई बहुत हुआ करते थे शुरू से लेके, हम बहुत लड़ते थे, बहुत मारपीट होती थी हम दोनों में, ये वहाँ के मोहल्ले वाले बता सकते हैं, और ये हैदर से भी कोई पूछ ले कि आपने कभी इसको पत्नी को मारा नहीं, कि कभी आपने इसके ऐसा हुआ, कई बार उसने मेरे मुँह में मिर्चें फेंक दी। ईद के ही दिन थे, मेरी दूसरी लड़की पैदा हुई थी तब की बात है, तो बहुत लड़ाई होती थी हम दोनों में, कई बार मेरे पापा बीच में आए, एक महीना मैंने इसे, तब भी मैंने तलाक लेना चाह रही थी, पापा घर एक महीना रही, फिर मेरी बड़ी बहन ने नहीं लेने दी, लड़ाई करी मुझसे और मुझे पापा घर से जाने को कहा, तो मैं चली गई गुस्से में। तो आप दोनों फिर अलग कब से थे, आप अलग अलग कब रह रहे थे? जब मेरी इनसे बातचीत ज़्यादा होने लगी ना, तब भी वो मतलब शक की नज़र से देखते थे। तब वो पाकिस्तान में थे ना? वो आए नहीं वापस, कभी भी नहीं आए। किस साल गए थे वो? 19 में। तो 19 के बाद 23 तक नहीं आए? अब तक नहीं आए थे। तो मतलब जब वो नहीं थे उसके बाद फिर इधर सचिन से आपकी दोस्ती हुई? दोस्ती होगी, हाँ। तो जब पहली बार आप दोनों को जब प्यार हुआ, तो आप दोनों कब मिले थे उसके बाद पहली बार नेपाल में? 10 मार्च। 10 मार्च जी 2023। 2023 में आप कैसे पहुंची नेपाल? मैंने टिकट करवाई, जैसे टिकट होती है वहाँ से टिकट करवाई, फहद भाई सैयद फहद अब्बासी एजेंसी है वहाँ पे कराची शहर में, नर्सरी के पास में ये आइस डीपू लोकेशन है, तो वहीं पे हमने टिकट कराई थी सईद फहद अली शाह से। उसमें मैंने सब बच्चों की भी करा रही थी, तो अब्बू की डेथ के कारण बच्चों की मैंने फहद भाई से पैसे वापस ले लिए थे, तो उन पर मेरे मतलब 2 लाख में तब मैंने फिर दोबारा टिकट करवाई फहद भाई। तो आप अकेले वहाँ से मिलने के लिए निकल गई, आपको डर नहीं लगा था? डर वैसे तो डर नहीं लगा कि क्या कोई मुझे मार तो नहीं देगा, गवाह तो नहीं कर गया, इस तरह का कोई डर नहीं था। कंफ्यूज ज़रूर थी कि मतलब मैंने ये भी देख रखा था यूट्यूब से कि मतलब एंट्री केस पर पहली बार मैं एयरपोर्ट में घुसी थी तब। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग धोखा देते हैं, तो आप तो पबजी के जरिए सोशल मीडिया पे मिले, आपको लगा नहीं जिस लड़के से, अनजान लड़के जिसको देखा नहीं हिंदुस्तान से है वो, और उससे मिलने जा रही, तो आपको डर नहीं लगा धोखा हो सकता है? मुझे डर नहीं लगा, मुझे इन पर बहुत विश्वास था, और मैं खुद को बहुत मजबूत समझती हूँ, मैं समझती हूँ मतलब देश हो कुछ भी हो, जब तक बंदा खुद टेढ़ा ना होगा, खुद गलती ना करेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो कराची से आप फिर फ्लाइट से कहाँ, दुबई से नेपाल पहुँची या डायरेक्ट? शारजा से नेपाल। और ये वहाँ से पहुंची? ये मुझसे पहले मतलब मैं अभी निकल ही रही थी, ये मुझसे पहले नेपाल में ही थे, मैं सुबह को निकली ना, जिस सुबह को ये पहले से पहुँच चुके थे। तो इनको पता था कि आप ये सुबह नेपाल पहुँच रही है? हाँ जी सर, मैंने एक दिन पहले ही वहाँ की NCL सिम थी, वो सिम मैंने वहाँ जगह ली थी बॉर्डर पर पहुँच कर ही, एक दिन पहले यानी 9 मार्च को सुबह को ही मैंने वहाँ पर NCL। आप दोनों की पहली मुलाकात आमने सामने कहाँ पर हुई? काठमांडू, वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काठमांडू। आप एयरपोर्ट के बाहर इनका इंतज़ार कर रहे थे? जी सर। तो आपने इनको देखते ही पहचान लिया था? हाँ जी सर, फ़ोन पे थे इनके, तुम कहाँ हो, इनकी मैं यहाँ हूँ, इनकी ब्रेड केस मैं वहाँ से लेकर आ रही हूँ, तो देख लिया था इनकी ये रहा मैं। पहला रिएक्शन जब आप दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख रहे थे, एक बार पहली बार आमने सामने आप मिल रहे थे, तो आप दोनों की उस वक्त क्या रिएक्शन था, क्या भावनाएं थी? कोई पता ही नहीं क्या रिएक्शन थी, क्या वो था, इतनी खुशी मिल रही थी कि बहुत खुशी मिल रही थी। तो एयरपोर्ट पे आप दोनों मिले, इसके बाद फिर कितने दिन रहे वहाँ पर? 7 दिन सर, 7 दिन। मैं 7 दिन, बच्चे अकेले थे तो मैं 7 दिन की टिकट कराई थी। तो जब आप काठमांडू में थे बच्चों से बात करती थी? हाँ, वीडियो कॉल में हमारी बात होती थी,
मैंने अपनी बहन को कहा था मैं लाहौर घूमने जा रही हूँ, इनको हटा के मैं वीडियो कॉल पर बात करती थी उनसे व्हाट्सअप पे। घर वालों को तब पता नहीं था? तो लाहौर का पता था। फिर आप दोनों ने नेपाल में शादी की? बिल्कुल। कहाँ, कैसे, उसके बारे में बताओ। वो वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर भी थे, उनका नंबर भी था, अभी तो खो उनने फ़ोन तोड़ दिया। उनकी हेल्प से पशुपतिनाथ गए हम लोग शाम, मतलब शाम के ही समय था तब करी हमने। वहाँ बहुत अच्छी मंदिर है, बहुत सुंदर है वो वहीं पर। तो 7 दिन रहने के बाद जब आप दोनों अलग हुए, एक को हिंदुस्तान आना एक को पाकिस्तान, तब किस वादे के साथ अलग हुए? यही कि दोबारा मिलेंगे। मैंने को सुबह शाम कहती थी, जब जैसे दिन आ रहे थे ना, मैंने कहा सचिन हम दोबारा मिलेंगे ना, कहते थे हाँ मिलेंगे। मैम बहुत 2 दिन हम बहुत रोते रहे, लास्ट के 2 दिन बचे ना, 17 को मुझे जाना है, 15 के बाद हम बहुत रोते रोते गुजारे। और वो मेरी वीडियो मेरी टिकटॉक आईडी में और मेरी इंस्टा की आईडी में पड़ी है कि बहुत बुरा हशर था। फिर मैंने इसके साथ, मैंने पूरी पूरी रात, हम सोते थे तो मोबाइल ऊपर रख देती थी, वीडियो चलती थी रिकॉर्डिंग, 10-10 घंटे की, 8-8 घंटे की हमारी वीडियोज़ पड़ी हैं कि मैं जुदा हो जाऊँगी तो देखा करूँगी। और ऐसा ही होता था, जब मैं चली गई तो वही देख देख के मैं सोती थी रात को। हमें बहुत, आप मार्च में अलग हुई, उसके बाद मई में फिर आप बच्चों को लेकर आने का आपने फैसला कैसे किया? फैसला हमारा पहले से था, बच्चों के तो वीज़े थे ही ना, बच्चों के, और मैंने वीज़े पहले अपने साथ लगाए थे, मुझे बस अपना 2 वीज़ा दोबारा लगवाना पड़ा। बच्चों का पहले का ही वीज़ा था, उनकी 29 मई को डेट एक्सपायर थी बच्चों के वीज़े की। कभी ऐसा हुआ कि सचिन ने आपसे कहा कि नहीं आप इंडिया तो आ जाओ पर बच्चों को मत लाना? नहीं, कभी ना कहा, कभी भी नहीं कहा। हाँ पैसे कम थे हम पे शुरू में, टिकट 12 लाख ही हो रही थी, पैसे 7-8 लाख थे मुझ पर, क्योंकि मेरे पे 12 लाख थे तो 3 लाख में पहले ख़त्म कराई। तो फिर मैं टेंशन में, हम दोनों टेंशन में थे कि पैसे पूरे कैसे होंगे। तो उन्होंने एक बार अपने लालन से भी मांगे कि थोड़े पैसे दे दो, मैं सीमा को भेज दूँ, तो वो उन्होंने इनको डांट दिया कि फ्रॉड श्रोड है, छोड़ दे, अगर आना होगा खुद आ जाएगी, तो पैसे वैसे ना है इनके लाला ने कहा। तो मैंने कहा तुम रहने दो, अगर नसीब में होगा तो हम मिलेंगे, वरना बस रहने दो। पैसे का इंतजाम कैसे किया? फिर मुझे सस्ती टिकट मिल गई, जब तब डॉलर ऊँचा था तब टिकट्स महंगी हाई रेट पे थी, और मैंने फिर जो ना लो सीट पता नहीं क्या लिखा होता है टिकट्स में, तो उन्होंने मुझे सस्ती वाली टिकट करके दी। आपने जब ये तय हुआ था कि ये इंडिया आएंगे तो चारों बच्चों के साथ आपने कहा था कि अपनाऊंगा? हाँ जी सर, बिल्कुल भी जाना नहीं चाहूँगी, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ का संस्कार बहुत अच्छा है। पहली बात तो वो मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे हस्बैंड ये रहे जी। उनके कहने से सब कुछ नहीं होगा, मेरी भी सुनी जाएगी। नमस्कार, प्यार मिला है मुझे यहाँ के, अब तो मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहूँगी, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ का संस्कार बहुत अच्छा है। लेकिन मैम देखिए, आपके हस्बैंड जो हैं पाकिस्तान में बैठ के, वो कह रहे हैं कि मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, बस भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वो वापस आ जाए, क्या कहेंगी? पहली बात तो वो मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे हस्बैंड ये रहे जी। उनके कहने से सब कुछ नहीं होगा, मेरी भी सुनी जाएगी। हाँ। जी मैम। अच्छा अच्छा, ये बताइए सबसे पहले तो कि अभी आपने नेपाल में शादी रचा ली है, क्या एक बार और फिर से आप दोनों शादी करने वाली? बिल्कुल करेंगे, अगर नागरिकता मिल गई तो धूमधाम से करेंगे, पाकिस्तान भी देखेगा और भारत भी देखेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी के लिए क्या कहेंगी? आप अभी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और बुलडोजर बाबा के नाम से भी उन्हें जानते हैं, तो योगी जी से आपकी क्या गुहार है? यही रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें और मुझे पाकिस्तान वापस न भेजा जाए, यहाँ की जेल कबूल है, पाकिस्तान जाना नहीं। मतलब यहाँ की जेल में आप रह जाएंगी लेकिन पाकिस्तान आप नहीं जाएंगी। मैम ये बताइए, आपके बच्चे यहाँ आकर खुश हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा। उनको तो परिवार मिल गया वहाँ के लिए, मैं मुझे ही देखते रहते थे, अब तो बुआ भी है, चाचा भी है, दादी भी है, दादा भी है, परदादा भी है। अच्छा। तो बहुत खुश है। अच्छा। पागल हो गए हैं, जैसे मुझे हिंदू सुन के उनके दिमाग ठिकाने से हिल गए हैं, तो उनको यही कहूँगी भैया होश कर लें, कुछ भी नहीं होने वाला, अब मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूँगी। देखिए आपकी एक भाषा बहुत अच्छी है, आपने इतनी अच्छी हिंदी इनसे बातचीत करते हुए सीखी या फिर पहले से ही आपको आती थी इतनी अच्छी हिंदी? मैम 3 साल हमने बात करी है, दिन रात सुबह शाम हमने बात करी है। हाँ। तो सीखनी तो थी और मोहब्बत भी थी इस भाषा से। हाँ। तो सीख ली। अच्छा। जी मैम, सारे इंडियन ड्रामे देखे हैं मैंने, अक्षरा वाला ड्रामा देखा है मैंने जी, वो क्या नाम है इसका, साथ निभाना साथी, इंडियन सारे ड्रामे देख रखे हैं हमने पुराने, और यहाँ की फिल्में सारी देख रखी है पुरानी मैंने, तो सनी देओल, सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, ऐसा कोई एक्टर नहीं जिनकी मेरी फिल्में ना देखी हो, अभी तो सनी देओल है। सनी देओल, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं गदर पार्ट 2 के बाद गदर 3 आने वाला है। अच्छा सचिन जी, ये बताइए कि सचिन जी ये बताइए, अब आपसे मेरा सवाल होगा, अभी फिलहाल आप क्या काम करते हैं? मैम अभी तो फिलहाल मैं हम यही काम कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं। जी मैम, परेशान हो चुके हैं? हाँ जी मैम, हो तो चुके हैं, खैर क्या कहते हैं, तबीयत सही नहीं है, गले से बोला भी नहीं जा रहा। अच्छा, पहली बार आप सीमा जी से मुलाकात आपने की तो तब आपने तय कर लिया कि मुझे इनके साथ ही रहना? जी मैम। हाँ, बहनें तो सबको प्यारी होती हैं,
मुझे भी हैं और याद भी आती हैं। मेरे पापा के बाद हमारा कोई भी नहीं था, मेरा एक भैया थे और उनके लिए शायद मैं टेंशन थी वहाँ पे, क्योंकि कुछ थी प्रॉब्लम हमें। कभी भी नहीं जाऊँगी सर, सच में मैं गला काट दूँगी, जहर खा लूँगी, यहीं मर के दिखाऊंगी, मैं वापस नहीं जाना चाहती। मेरे बच्चे भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ सर यहाँ। जब तक मैं नहीं मर जाऊँगा ना, जब तक इसे नहीं जाने दूंगा मैं यहाँ। इस वक्त मैं और सचिन, तो सबसे पहले सीमा आप बताइए कि आपके सामने वतन था और प्यार था। ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान से नफरत करती हूँ, नहीं, वो भी देश है, मैं वहाँ रही हूँ, पली बढ़ी हूँ, मेरा बचपन बीता वहाँ पे, मेरी अम्मी, मेरे मम्मा पापा भाई बहन वहीं के हैं, मेरे माँ बाप की कब्र वहीं पे है, तो उस देश के बारे में मैं कोई गलत नहीं बोलूँगी। बाकी अब प्यार था, अब ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, फिर मर जाना होता है, कुछ साल बाद बुढ़ापा, फिर मौत, फिर ऐसे ही चलते। जो मेरे पापा थे कभी ज़िंदा थे, उनकी अपनी आँखों के आगे मौत देखी हमने, तो ज़िंदगी ख़त्म ही हो जानी है, तो मैंने प्यार को चुना सर। जब आपकी पबजी से बात शुरू हुई तो सीमा आपको मिली, चार बच्चे, क्या सोचा उस वक्त आपने? 2020 में हमारी बात हुई थी, होने के बाद उसके क्या दो छः सात महीने बाद वो पता पड़ गई थी मुझे, तो कोई बात नहीं है, जब बच्चे हैं तो क्या हुआ, तेरे बच्चे मेरे बच्चे एक बात है, कोई बात नहीं है, मैं जैसी तू है मेरे लिए ऐसे ही बच्चे हैं, जैसे बच्चे हैं ऐसे लिए तू है, बस। कब तय किया कि अब सीमा को भारत बुला लेना है? सर जब ही तय कर दिया था 2021 में, जब हमारा प्यार शुरू हो गया था। सीमा बताइए कि जब आप गेम, आपने पबजी खेलना शुरू हुआ, पबजी पे आपको सचिन मिले, कैसे आपकी प्यार की शुरुआत हुई? हमारी सर बात होती थी, ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान, तो जस्ट फ्रेंड थे हम तब, सिर्फ खाली दोस्ती थी हमारी, ये मुझे दिखाते थे, मैं इनको दिखाती थी, ये खुश होते थे मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ, मैं खुश होती थी मैं भारत देख रही हूँ, तो खुशी होती है ना कि दूसरे देश का बंदा आपसे बात करे, तो खुशी अलग होती है, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, दूसरे देश का बंदा बात कर रहा है, तस्वुर में कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, फिल्में ही देखते थे भारत की, कोई बात भी कर रहा है तो आधा, तो यही खुशी थी इनसे बात करने की, मैं इंडिया के किसी लड़के से बात कर रही हूँ, तो इसी में मतलब होते होते हमारी बात बहुत ज़्यादा होने लगी ना, आहिस्ता आहिस्ता, पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात भी हमारी बात होती रही है, तो इससे मेरी बहुत आदत सी पड़ गई, बहुत मतलब प्यार हो गया इनसे। पहली मुलाकात सचिन के साथ आपकी कहाँ हुई और कैसे आप आए? नेपाल में हुई सही, 10 मार्च को मैंने टिकट कराई थी इनके लिए, 10 मार्च को मैं आई थी इनके पास नेपाल के, नेपाल में ही। आप कह रहे हैं कि आपने हिंदू धर्म अपना लिया है, उसके बारे में क्या कहेंगी? मैंने खुद अपनाया है, मुझे किसी ने कोई प्रेशराइज नहीं करा, और हैदर वीडियो में कह रहे हैं कि सचिन ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया, हमें यहाँ लाए, मुझे किसी ने दिमाग मेरा ख़राब नहीं करा सर, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, इनकी मोहब्बत में आई हूँ, इनकी मोहब्बत में मैंने ये धर्म भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरे पति हैं ये, मैं मानती हूँ। हमने नेपाल में शादी करी है, मेरी इंस्टा की आईडी है सती मीनू, उसमें हमारी वीडियो पड़ी हुई है। सीमा ये बताइए कि आप जब मार्च में आई, उसके बाद फिर आप मई में आई, तो मई का आप किस तरह से आई और फिर कैसे भारत ग्रेटर नोएडा तक पहुँची? वो सेम ही था, मार्च में मेरे लिए थोड़ा कठिन था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं जहाज़ में बैठ रही हूँ, क्योंकि जब जहाज़ उड़े तो मैं बिल्कुल बहरी सी हो रही थी, मुझे पता भी नहीं कि मेरे कानों में दर्द क्यों हो रहे हैं, तो मैं, मुझे कुछ हो रहा है, तो वहीं दो तीन लड़कियां थी, मैं पूछ रही मेरे कानों में कुछ हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो कहते ये नॉर्मल है, जहाज़ उड़ते समय तो आपके कानों में दर्द होता है, इस तरह का था मेरे लिए। फिर सेकंड टाइम तो बहुत आसान था, मुझे पता पड़ गया कि यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एग्जिट है, यहाँ लिखा होता है कि आप कनेक्टेड फ्लाइट है, यहाँ लिखा है कि जो आप दुबई के दुबई जाएंगे, तो फिर मुझे पता पड़ गया, क्योंकि मुझे समझाया था लड़कियों ने ना, बहुत अच्छी लड़की। नेपाल से भारत में तो चेकिंग होती है बॉर्डर पर, वो आपने कैसे पार किया और कैसे आ पाई, किसकी आपने मदद ली, वो क्योंकि बहुत कठिन है? सचिन की मदद थी, इन्होंने मुझे अपना सारा एड्रेस सही से बता लिखवा रखा था, और जब मेरी टिकट हुई ना तब भी इन्होंने अपना सारा एड्रेस, अपना नाम, पापा का नाम, सब कुछ सही से लिखवा रखा था। कि चेकिंग नहीं हुई? चेकिंग पूछताछ बहुत हुई अच्छे तरीके से, बैग चेक करा गया मेरा, पर आईडी कार्ड का पूछा गया, तो मैंने कहा मेरा खो गया है, तो इसलिए ज़्यादा पूछा नहीं है, बच्चों को, मेरे बच्चे बीमार हो गए थे, जो 3 दिन का सफ़र था, बड़ी लड़की उल्टियाँ करती है बहुत ज़्यादा मेरी, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया, मुझ पे मतलब थोड़ा रहम किया गया। पुलिस ने आपके पास से 3 आधार कार्ड और 5 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए हैं, वो किसके? मेरे पति का है, 3 मेरे बच्चों के थे, 1 मेरा था, 1 मेरा ख़राब फ़ोन था, वो टूटा हुआ था, मतलब 2 टूटे हुए बिल्कुल फ़ोन, 1 तो यहीं टूटा है इंडिया आके। कुल कितने फ़ोन थे आपके पास? हमारे पास 5 थे, मेरे पति के पास, 3 बच्चों के थे मेरे बड़े वालों को, 1 मेरा,
और एक मेरे हस्बैंड का। बच्चे फ़ोन चलाते हैं? जी सर, वो पाकिस्तान से लेके चलाते हैं। तीन आधार कार्ड? मेरे पापा का, हैदर का और मेरा। पाकिस्तान के आधार कार्ड? जी सर, मेरे पापा की कॉपीज थी, वो कॉपीज की रंगीन कॉपी ना होती, वो रंगी कॉपी थी और मेरा ओरिजिनल था। सचिन बताइए कि गुलाम हैदर अपने बच्चों को सऊदी से अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चों को उनको दे दिया जाए, उनकी पत्नी को वापस भेज दिया जाए, क्या कहेंगे इस पर? नहीं सर, पत्नी तो मेरी भी है, ये तो शादी तो मैं भी कर चुका हूँ, तो मेरा तो कहना यह है कि मैं यहीं पर रहे, मेरा मानना ये कि यहीं पर रहे बस। तो पाकिस्तान की जो सरकार है उन्होंने काउंसलर एक्सेस के लिए भी कहा है, वो आपसे बात करेंगे, अगर पाकिस्तान कहे कि हम आपको वापस बुला रहे हैं तो क्या होगा, तो क्या करेंगे? मैं मना कर दूंगी सर, हमारे पाकिस्तान में भी ये यही था कि अगर 18 साल से बड़ी लड़की अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद ले सकती है, वो आज भी पाकिस्तान में चल रहा है, 18 साल से बड़ी हर जिंदगी अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकती है, तो मैं 27 साल की हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकती हूँ। और ये भी है, ये भी नहीं है कि आप मैं औरत हूँ तो मैं आदमी से तलाक नहीं ले सकती, मैं औरत भी नोटिफिकेशन भेजती है आदमी को तलाक के लिए। आपका कब तलाक नहीं हुआ, कोई लिखित लिखित वाला नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी अगर यहाँ से कोई उनको कागज़ भेज दूँ, वैसे तो मेरे पति हैं नहीं, ज़बानी हमारी ख़त्म हो चुकी, क्योंकि पाकिस्तान ज़बानी अब भी चलता है, कोशिश करूँगी अगर यहाँ से अगर नोटिफिकेशन मतलब जाते हैं कागज़ तो मैं डिवोर्स यहाँ से उनसे लेने के लिए तैयार। आपकी बातचीत हुई भारत आने के बाद अपने परिवार से, भाई से, बहन से? नहीं करी, मैंने किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं करा। अच्छा, आप किराए के मकान में कराची में रह रही थी, तो आपने कौन सा मकान बेचा, गुलाम हैदर का बेचा या कोई अपना मकान बेचा? गुलाम हैदर का नहीं था, वो मेरा था सर, और हैदर को भेजने के लिए मैंने अपना सोना गिरवी रखा था, हैदर के जाने में आधा पैसे तो मेरे लगे थे, मैंने कमेटियाँ रख रख के इनको सऊदी अरब भेजा था, तो इसमें ये क्या हो गया कि बस गुलाम हैदर का घर हो गया, उन्होंने बच्चों के लिए खाने के लिए पैसे दिए थे, वो मैं थी कि जोड़ जोड़ के मैंने घर लिया, वो मेरा दिमाग था कि भाई घर चाहिए, तब इनसे मेरी बातचीत होती थी पर इतनी प्यार नहीं था कि मैं सोचती, मैंने घर मैंने लिया था सर, मुझे हैदर ने कोई नहीं, मेरे आधार कार्ड पर मेरी आईडी कार्ड पर था। आपकी आपकी बहन से बीबीसी ने बात की है, वो भी दुखी हैं आपके भारत आने में? रीमा, मैं जानती हूँ वो बहुत दुखी होंगी, क्योंकि वो मुझसे मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते, बहन तो बहन होती है सर, पर मैं उस बहन को भी कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ सचिन के उनको बहन को और छोटी बहन को भाई को भी कह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चों का मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं, खास करके मीना जी बहुत अच्छे हैं। सीमा, आप पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि आप पाकिस्तान की जासूस हो सकती हैं? ऐसा कुछ नहीं सर, मैंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा देखा ही नहीं है, मैं घर से बस अभी जो इनसे प्यार के चक्कर में मैं बाहर ये घूमना शुरू करा, पासपोर्ट बनवाए, मैं ज़िंदगी में हमें बाहर जाने की भी अलाउ इजाज़त नहीं होती सर, मैं एक मिडिल क्लास और लो क्लास फैमिली से हूँ, मेरे कोई फैमिली हाई फाई नहीं है, मैं इतनी एजुकेशन भी नहीं हूँ, हाँ मैं थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी के शब्द ऐड कर लेती हूँ, इसका मतलब नहीं कि मुझे सारी इंग्लिश आती है, आप दो लाइन इंग्लिश की मुझे साथ से बोलवाते लें मैं तो उतना नहीं लगूँगी फिर। ये बताइए कि आपके जो भाई हैं वो पाकिस्तानी सेना में काम करते हैं, उनके बारे में कब उनकी नौकरी हुई और वो क्या करते हैं? कंफर्म तो मुझे याद नहीं है, उनको पता होगा पर 22 में ही हुए थे वो। सीमा, सचिन 6-7 हज़ार रुपये एक दुकान पे काम करते हैं, चार बच्चे हैं आपको, 13 हज़ार, आपको लगा कि आप जीवन भर इस घर में अच्छे से गुजार पाएंगे? जी सर, मेरी इज्जत तो करते हैं, ये बहुत है, मेरी इज्जत करते हैं, मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए ये बहुत है सर, जो ज़्यादा पैसा दे और इज़्ज़त ना करे तो क्या फ़ायदा। पाकिस्तान आप छोड़ के आई, वापस कभी जाना चाहेंगी पाकिस्तान? नहीं, वापस नहीं जाऊँगी सर कभी, ऐसा नहीं, याद नहीं आता, याद तो आएगा, ज़ाहिर जो इंसान जहाँ रहता है तो पिछली पुरानी यादें सबको याद आती हैं, पर मैं वापस कभी नहीं जाना चाहूँगी सर, मैं यहीं। आप जिस इलाके से पाकिस्तान में आती हैं वहाँ पर प्यार इजहार करने की उतनी आज़ादी नहीं है, आपकी जब पहली शादी गुलाम हैदर से हुई तो वो भी लव मैरिज थी, तो उसके बारे में क्या? वो मेरी लव मैरिज नहीं थी सर, वो मेरी मजबूरी की शादी थी, तब मुझे इतना, मैं तब 17 साल की थी, बिल्कुल सूखी सी पतली सी थी, तब मुझे इतना मालूम भी नहीं था, हाँ पसंद करती थी किसी को तो उसी के कारण मेरी इससे शादी कराई गई, मतलब हमारी कोई धूमधाम से शादी ना हुई, नॉर्मल कागज़ों पर साइन किए गए बस। तो आपकी को किसी और से शादी करनी थी तो फिर इनसे गुलाम हैदर से हुई आपकी शादी? जी सर, मैं किसी और को चाहती थी पर इनसे ज़बरदस्ती हुई। तो अब आप पूरी तरह से हिंदू धर्म में आ गई हैं? जी सर, और मैं वहाँ पाकिस्तानियों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, इस तरह की उल्टी सीधी बातें या उल्टी सीधी काम ना करें मेरे लिए, कि मेरे लिए कोई दिक्कत पैदा हो, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर, मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं, हैदर से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई तुम खुश रहो, अपने वो बच्चे संभालो, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर।
अब आगे आपने क्या सोचा है? हमारी शादी तो हो गई है सर, बाकी जो थोड़ी बहुत हैं लिख पढ़ के काम वो करके मैं यहीं रहूँगी इनके साथ। आखिरी में क्या कहना चाहेंगी पाकिस्तान और अपने पति, अपने सास, अपनी बहन को क्या संदेश देना चाहेंगी? अपनी बहनों को तो कहूँगी आई लव यू। बहनें तो सबको प्यारी होती हैं, मुझे भी हैं और याद भी आती हैं। बाकी रही बात बहनों की, बात मत करें सर। कितनी बहनें हैं आपकी? दो बहनें हैं, एक बड़ी एक छोटी है। बहनों की बात मत लाएं सर, बहनें खुश हो जाएंगी अपनी शादी की। बड़ी वाली की तो शादी हो गई, उसका पति अपने मामा का लड़का है, वो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत खुश है। छोटी वाली जो है उसके पास भाई है मेरा, वो बहुत अच्छे ध्यान रखेगा उसका। आपने उसको पाल के बड़ा भी किया होगा, मदद की होगी, ऐसा क्या हुआ कि आपने इतना बड़ा फैसला एक ऐसे देश में जिसका तनाव है पाकिस्तान के साथ, इतना मुश्किल, इतनी हैरान करने वाली कहानी सीमा? ये मेरा कोई भी नहीं था सर, मेरे पापा के बाद हमारा कोई भी नहीं था। मेरा एक भैया थे और उनके लिए शायद मैं टेंशन थी वहाँ पे, क्योंकि कुछ थी प्रॉब्लम हमें। मेरे पापा के मर जाने के बाद मुझे गांव से मना कर दे के तुम गांव कभी नहीं आओगे, क्योंकि मेरे चाचा ने ही करा था ये। बस थोड़ी सी ऐसे ही फैमिली मैटर थे, बट मेरा कोई भी नहीं है पीछे। भाई बहन है वो खुश रहेंगे अपनी ज़िंदगी में, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ सचिन के साथ। और हैदर से रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके मेरे लिए प्रॉब्लम ना खड़ी करे। अगर वो मुझे सच में ही इतना पसंद कर रहा है तो मुझे खुश रहने दे बस। पाकिस्तान सरकार का भी दखल, उन्होंने काउंसलर एक्सेस की बात कर रहे हैं, वो तो आपको अगर बुला लेंगे तब आप क्या करेंगे? मैं मर जाऊंगी यहाँ, ख़त्म हो जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरा वापस कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह से वापस कभी भी नहीं जाऊंगी सर। सच में मैं गला काट दूंगी, जहर खा लूंगी, यहीं मर के दिखाऊंगी मैं वापस नहीं जाना चाहती। मेरे बच्चे भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ सर यहाँ, मैं वापस किसी सूरत में नहीं जाना चाहती। सचिन आप एक बात आखिर में बताइए कि अगर पाकिस्तान कह दे कि आप तो सीमा को आना पड़ेगा क्योंकि ये पाकिस्तान की नागरिक भी हैं, तो आप क्या करेंगे? तो सर मैं जब तक मैं नहीं मर जाऊंगा ना, जब तक इसे नहीं जाने दूंगा मैं यार। मेरे मरने के बाद जो इसका साथ करो, जो हमारी भारत सरकार करे, जो पाकिस्तानी सरकार करे,